हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26th of September 2023। 26 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, रेलवेज, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको language की problem कहीं से भी ना हो। और अगर आपको video पसंद आता है, हमारा content पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, then video को like, share और channel को जरूर subscribe कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी video की update मिलती रहे। सो कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 10 इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड क्वेश्चन थे, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज वॉच दैट वीडियो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तिब्बतियंस आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी रादर देन सेपरेशन फ्रॉम चाइना, सेज दलाई लामा। ठीक है, तो जो तिब्बतियन हैं वो क्या चाहते हैं? ऑटोनॉमी चाहते हैं, ना कि सेपरेशन फ्रॉम द चाइना। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो तिब्बतियन हैं वो क्या चाहते हैं? तिब्बत की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोनॉमी चाहती है, वो इंडिपेंडेंस चाहती है, फ्रीडम चाहती है, ना कि सेपरेशन फ्रॉम द चाइना। ये है दलाई लामा की स्टेटमेंट, आप सभी को पता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। शूटिंग स्टार्स वुमेन्स क्रिकेट टीम्स मेक इंडिया प्राउड ऑन द डे 2nd of Asia। ठीक है, ये साल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप सभी को पता है मेंस क्रिकेट टीम, ठीक है, एशियन गेम में, इस बार एशियन गेम जीत गया, एशिया कप यहाँ पर मेंस क्रिकेट टीम जीत गया, एशिया कप यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेट टीम भी जीत गई है। ठीक है, और सेकेंड डे ऑफ एशिया में, ठीक है, सेकेंड डे ऑफ एशियन गेम में यहाँ पर जो इंडियन वुमेन है, शूटिंग वुमेन्स हैं, जिनका नाम है रिचा घोष, कनिका आहूजा एंड स्मृति मंदाना, जिनकी एज है 22 साल, 19 साल और 20 साल रिस्पेक्टिवली, इन्होंने गोल्ड लिया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये पता होना चाहिए। ये जो एशियन गेम कंडक्ट कराए जा रहे हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये चाइना में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ पर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सारी चीजें वही जो मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, पहला एडिटोरियल तो आपको उस पर मिलेगा, दैट इज G20 की डिप्लोमेसी एंड शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर मिलेगा, जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है। दूसरा मैंने आपको बताया था AI के बारे में, ठीक है, AI के बारे में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ भी आपके लिए एडिटोरियल में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन है, दैट इज ओवर 60% ऑफ अर्बन किड्स स्पेंड 3 hours daily on entertainment app। ठीक है, तो देखिए एक important article है जिसमें आप सभी को पता है आज के date में जो urban kids हैं, अर्बन में जो चिल्ड्रंस रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं? फोन के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टडी में, ये एक सर्वे में पता लगाया गया। ठीक है, और मोस्टली अगर आप देखें तो गेम्स हो गए, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है, सोशल मीडियाज हो गए, इनमें अपना टाइम को बहुत ज्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं रादर देन स्टडीज एंड ऑल। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे आर्टिकल को चार्ट के मैप से, चार्ट के जरिए इसको समझाया गया है। ठीक है, देखिए चार आर्टिकल को चार चार्ट में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, यू कैन सी हियर, फर्स्ट चार्ट में यहाँ पर ये दिखाया गया कि हाउ मच एवरेज टाइम पर डे आर चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 9 to 17 इन योर फैमिली स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया वीडियोज, OTT, ऑनलाइन गेमिंग्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, देखिए पहला चार्ट में ये बताया गया कि कितने एवरेज, कितने परसेंट जो चिल्ड्रेन हैं वो 9 से 17 साल की एज के, ठीक है, 9 से 17 साल की एज के कितने परसेंट ऐसे चिल्ड्रेन हैं जो कि सोशल मीडिया वीडियोज, OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो ये आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने निकल के आए हैं कि 46% ऐसे चिल्ड्रेंस है अर्बन एरियाज में जो कि 3 से 6 घंटे कंटिन्यूअस वो फोन का यूज करते हैं ऑन सोशल मीडियाज हो गया, चाहे वीडियोज हो गए, वीडियो को देखने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म्स को देखने के लिए, ठीक है, या फिर यू कैन से दैट ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए, PUBG जैसे गेम्स वगैरह ऑन ऑल। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे चार्ट में ये दिखाया जा रहा है कि किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है चिल्ड्रंस के द्वारा, मतलब कि सबसे ज्यादा किस चीज से वो एडिक्टेड है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डू यू फील चिल्ड्रंस इन योर फैमिली आर
आर एडिक्टेड टू एंड हैव एंगेज इन एवरी डे, ठीक है, मतलब कि हर दिन वो किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा एंगेज रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 37% जो शेयर है वो वीडियोस, OTT, यूट्यूब प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रन से उनका रिस्पांस हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो 37% जो चिल्ड्रन से वो अर्बन एरियाज में वो वीडियोस देखने में इन्वॉल्व है। OTT प्लेटफॉर्म्स हो गया, यूट्यूब हो गया, प्राइम वीडियोस हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, हॉटस्टार हो गया, सो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। 35% ऐसे चिल्ड्रन से जो कि सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ऑल इन ऑल इन सारी सोशल मीडियाज में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। 33% ऐसे चिल्ड्रन से हैं जिन जो इन्वॉल्व है ऑनलाइन गेमिंग में, जैसे कि पबजी हो गया, फीफा हो गया, फैंटसी स्पोर्ट्स हो गया, ड्रीम इलेवन, इन सारे गेम्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। 10% ऐसे चिल्ड्रन से जो कि इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटीज़ में विच आर नॉट यहाँ पर क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। 2% यहाँ पर कहा नहीं जा सकता, और 8% लकली दे आर नॉट एडिक्टेड टू एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो 8% ऐसे भी चिल्ड्रन से जो कि किसी भी चीज़ से एडिक्टेड नहीं है, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है, किसी भी चीज से वो एडिक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरे चार्ट के माध्यम से ये दिखाया गया, ठीक है। तीसरे चार्ट के माध्यम से ये दिखाया गया कि क्या उनके ऊपर इमोशनल और मेंटल इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, इन सारी चीज़ों से। जैसे कि मान लीजिए 3 से 6 घंटे अगर वो रेगुलर देख रहे हैं तो उनकी मेंटालिटी पे, उनकी इमोशनल जो सोशल मीडियाज और वीडियोस, ऑनलाइन गेम्स से जो उनका इंपैक्ट पड़ा है वो क्या है, ठीक है, कितना है, क्या खुश हैं, क्या इंपेशेंट बिहेवियर उनका देखने को मिला, क्या एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिला, क्या वो और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, क्या हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं, लिथार्जिक कंडीशन में होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो आंकड़े हैं, ठीक है, जिसमें दिखाते हैं कि 8% ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करके खुश हैं, ठीक है, 9 से 17 की एज की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 10% ऐसे चिल्ड्रेन हैं जो कि धीरे धीरे और सोशल होते जा रहे हैं, ठीक है, 37%, ठीक है, 37% ऐसे चिल्ड्रेन हैं जो कि इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर पेशेंट की कमी होती जा रही है, ठीक है ना। 39% ऐसे चिल्ड्रेन हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, एग्रेसिवनेस के लेवल उनके अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 22% ऐसे चिल्ड्रेन से जो कि डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, और 25% ऐसे चिल्ड्रेन से जो कि हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं, और 27% ऐसे चिल्ड्रेन से जो कि लेथार्जिक होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड नो। नाउ चौथे चार्ट के माध्यम से यहाँ पर क्या दिखाया गया, शुड इंडिया मेक मैंडेटरी पैरेंटल कंसेंट फॉर चिल्ड्रेन अंडर 18 टू ज्वाइन सोशल मीडिया, OTT वीडियोज, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। क्या चिल्ड्रेंस को पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होनी चाहिए अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन का आंसर था येस, एब्सोल्युटली येस, ओके, 73% पॉपुलेशन का मानना था कि हाँ होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में देखिए COVID-19 के बाद जब चिल्ड्रेन स्कूल्स को रिटर्न किए तो यहाँ पर ये जो सर्वे था इसको कंडक्ट कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में आप सभी को पता है फ़ोन में स्पेंड कर रहे हैं, या फिर वो म्यूज़िक सुन रहे हो, चाहे वो वीडियो क्लिप्स हो, चाहे वो सोशल कनेक्शंस हो, प्लेइंग गेम्स हो, ठीक है, चाहे वो कुछ कुछ भी, ठीक है। इनकी वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली अगर देखा जाए तो चिल्ड्रेंस के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनका जो बिहेवियर है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, इंपेशेंसी उसके अंदर बढ़ती जा रही है, एग्रेसिवनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है, हेडेक आज के डेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आई और ब्लैक डिस्कम्फर्ट, आप देखेंगे कि पीछे कमर में दर्द होने लगता है, आई में प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट स्टार्ट अकरिंग, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये फ़ोन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। सो डोंट दैट मच इन्वॉल्व इन योर फोन्स, ठीक है। अगर आप फ़ोन में इतना इन्वॉल्व रहिएगा तो ऑफकोर्स आपको इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें थी वो इसी के लिए थी, जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था वो इसी के लिए था कि आप सभी को पता किया जा सके, ठीक है, आप सभी को बताया जा सके कि इतनी चीज़ें हैं जो कि ये इससे इफेक्ट होती हैं, ठीक है ना। इस सर्वे को कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, लोकल सर्कल्स के द्वारा, ठीक है, लोकल सर्कल के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट कराया गया, जिसका टाइटल था 61% अर्बन इंडियन पेरेंट्स सेज दियर चिल्ड्रेंस आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, OTT, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो 61% जो अर्बन इंडियन पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रेंस है वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के, OTT प्लेटफॉर्म्स के, ऑनलाइन गेमिंग से, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स।
नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कावेरी वाटर कॉन्कुंड्रम के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि 21 सितंबर को एक डिसीजन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को कहा कि आप 5000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड जो वाटर है वो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर 15 डेज। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो फार्मर है वो आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जितना ये जो ये 5000 क्यूसेस ऑफ वाटर का रिलीजमेंट की बात की गई है, ये अगेंस्ट इंटरेस्ट है, ठीक है, इसके खिलाफ है। तो इसलिए यहाँ पर जो फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक्चुअली कहा गया था कि 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर्स वुड बी अवेलेबल इन कावेरी बेसिन इन नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट जो वाटर है वो अवेलेबल होगा कावेरी बेसिन में, ठीक है, नॉर्मल ईयर। द कोर्ट विच ब्रॉडली अधेर द CWDT अवार्ड्स विच मेड एलोकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंस ऑन द बेसिस ऑफ एज फॉलोज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने बता दिया। और यहाँ पर कर्नाटका को कितना दिया, 284.75 आपका ये TMC, ठीक है, TMC का मतलब क्या है, 1000 मिलियन क्यूबिक, ठीक है, 1000 मिलियन क्यूबिक। तमिलनाडु को कितना मिला, 404.25। पांडिचेरी को कितना मिला, 7000 मिलियन क्यूबिक। ठीक है, सो ये जो डिवीजन है ये यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर दिए और ये इसी के बेसिस पे एलोकेशन यहाँ पर वाटर के दिए गए हैं। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मानसून इस साल जो था वो बहुत ज़्यादा आप सभी को पता है अनप्रिडिक्टेबल था। वेदर चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से मानसून है वो अनस्टेबल है और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हुई दिख रही हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। What are the findings of Parliament panel on NEP? National Education Policies की जो parliamentary panel बनी थी, इसकी findings को क्या है, ठीक है, इसमें क्या findings हुए हैं, ये actually यहाँ पर हमें पता चला है। It's very important. The Parliament findings committee on education headed by Bharatiya Janata Party MP Vivek Thakur tabled a report during a special session of parliament on implementation of national education policy 2020 in higher education. ठीक है, तो एक यहाँ पर देखिए एक parliamentary standing committee बनाया गया था, किसके ऊपर, education के ऊपर, जिसको head कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर MP विवेक ठाकुर। इन्होंने बहुत सारे recommendations दिए हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी findings की है, ठीक है, और ये जो findings है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ इस कमेटी में जो मेंबर्स थे, पैनल मेंबर्स थे, वो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, यूनियन मिनिस्ट्रीज थे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मेंबर्स थे एंड अदर स्टेक होल्डर्स थे टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या नोट किया गया कि लगभग 1043 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फंक्शनल है इन दिस कंट्री, जिसमें 70% किसके अंदर है, स्टेट एक्ट के अंदर आती है, और 94% ऑफ द स्टूडेंट आर इन स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विद जस्ट 6% ऑफ द स्टूडेंट इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट्स इन द प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन। तो ये रिपोर्ट की फाइंडिंग थी कि 1043 में से अगर आप देखें तो 70% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे कम अंडर स्टेट एक्ट, ठीक है, 94% जो स्टूडेंट हैं दे आर इन अ प्राइवेट और स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओनली 6% ऑफ द स्टूडेंट आर इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अगेन ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे ये इन्होंने डिस्कस किया, व्हाट आर द इशू, ठीक है, नाउ यहाँ पर इशू क्या डिस्कस किया गया, तो 31 मेंबर के जो पैनल है इन्होंने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन इन सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज एरियाज, लैक ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट टीच इन लोकल लैंग्वेज, द लिमिटेड नंबर ऑफ फैकल्टीज, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, लेसर इम्फेसिस ऑन रिसर्च, ineffective regulatory system, lower standard of undergraduate education. ठीक है, तो कुछ ये जो issues थे इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, discussion start किया। ठीक है, इनके ऊपर क्या किया, ये discussion इन्होंने start किया। तो ये जो चीज़ है ये आप लोग लिख लीजिए कि 31 member की panel बनाई गई थी जिन्होंने ये जो topic है इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने discussion start किया। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ यहाँ पर recommendations दिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने कुछ recommendations दिए। The panel asks the union government, panel ने किसको कहा, यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने जो फाइनेंशियल को है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है,
इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। ईयर मार्किंग सूटेबल फंड फॉर एडुकेशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए यहाँ पर एडुकेशन के लिए एक सूटेबल फंड बनाने की जरूरत है। दूसरा, सेटिंग क्लियर टारगेट फॉर हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर SEDGs, ठीक है, तो SEDGs मतलब कि सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। इनहैंसिंग जेंडर बैलेंस इन एडमिशन ऑफ HEIs, ठीक है, HEIs में जो जेंडर बैलेंस है वो होना चाहिए, ठीक है, ना कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें वहां पर देखने को मिले। प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड स्कॉलरशिप टू SEDGs, ठीक है, तो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर हमें देना होगा, स्कॉलरशिप हमें उनको प्रोवाइड कराना होगा, चाहे वो बोथ पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट चीज हो, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, ठीक है। मेकिंग एडमिशन प्रोसेस एंड करिकुलम मोर इंक्लूसिव, ठीक है, जो एडमिशन प्रोसेस है और जो करिकुलम है वो उसको इंक्लूसिव बनाना होगा, उसको बहुत ज्यादा हम हैजल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ईजी करना होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियलिटी ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड फॉर डेवलपिंग मोर डिग्री कोर्सेज टॉट इन रीजनल लैंग्वेज एंड बायलैंग्वली, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीजनल लैंग्वेज में बात की गई है कि रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर हमें डिग्री देना होगा ताकि हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। द पैनल ऑल्सो रिकमेंड स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेप टू हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट एंड अ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हरासमेंट रूल, ठीक है, तो यहाँ पर नो डिस्क्रिमिनेशन और एंटी हरासमेंट रूल के बारे में यहाँ पर कहा है कि इसको हमें यहाँ पर लेकर आना होगा, तभी जाकर हम यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये जो रिकमेंडेशंस थे ये रिकमेंडेशन पैनल्स के द्वारा दिए गए, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके लिए ऑफकोर्स यहाँ पर फंडिंग होंगी, फंडिंग को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजंस लिए गए पैनल्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जयशंकर एंड यूट्रेक्ट रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो आप सभी को पता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्रुटेरेस, जिन्हें बायलेटरल टॉक्स किया मंडे के दिन और इन्होंने डिस्कस किया बहुत सारे एजेंडाज और रिफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट था फॉर रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में देखिए इंडिया और जो रिलेशंस हैं यूएन के साथ या फिर यूएस के साथ वो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बढ़ेंगे और हमें एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमें रिफॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेंटर रिबॉफ्स मूडी आधार रिपोर्ट सेज अ बिलियन इंडियंस ट्रस्ट इट, नो ब्रिज ऑफ डाटा बेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर ने क्या किया है, जो मूडी आधार रिपोर्ट था उसको रिबफ कर दिया है, मतलब उसको डिनाई कर दिया है, ठीक है, कहा इट्स नन ऑफ द एनीथिंग दैट यू आर सेइंग, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडियंस, बिलियंस ऑफ इंडियन जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं आधार पे, ठीक है, कोई भी हमारे डाटाबेस का ब्रिज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटर का रिप्लाई आया है, यहाँ पर ये पूरा रिप्लाई है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री लेट ऑन मंडे टुक अ रिपोर्ट फ्रॉम मूडी इन्वेस्टर सर्विस दैट रेज क्वेश्चंस अबाउट द इफिकेसी ऑफ आधार एंड डिसमिसिंग कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन द सेंट्रलाइज सिस्टम, असर्टेड दैट देयर हैड बीन नो ब्रिज रिपोर्ट फ्रॉम द यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डाटाबेस टिल डेट, ठीक है। तो अब तक अगर आप देखें तो कोई भी डाटाबेस का यहाँ पर हमें ब्रिज की रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो इन्होंने जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर सवाल उठाया था उसको डिसमिस कर दिया था, ये मैंने आपको कल बताया था कि मूडी ने एक रिपोर्ट निकाली और उसमें कहा कि आधार जो है वो अनसिक्योर है, ठीक है, वो अनरिलायबल है, ठीक है। तो उनकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये बोल रहे थे, तो ये इन्होंने ये जवाब दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री ने ये जवाब दिया है कि अब तक हमारे पास कोई भी डाटा केस डाटा जो बेस है उसके ब्रिज हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है, डाटा में लीक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड बैंक जो है IMF है, इन्होंने इस चीज़ को लॉड किया है, मतलब इन्होंने इस चीज़ को प्रेस किया है और वो ये चाहते हैं कि आधार को ऐसे डिजिटल आईडी सिस्टम के तौर पर वो भी डिप्लॉय करना चाहते हैं, वो ये सारी जो प्रोसेस
कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एजेंसीज ने क्या कहा था, एजेंसी ने कहा था कि ऑफन अगर आप देखें तो जो लोग जाते हैं आधार में, आधार कार्ड के सिस्टम के पास, ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो सर्विस वहां पर डिनाइल कर दिया जाता है, ठीक है। पहला तो सर्विस डिनाइल कर दिया जाता है, दूसरा अनरिलायबल है, मतलब कि दूसरा क्या है, यू कैन नॉट ट्रस्ट। अनरिलायबल का मतलब होता है यू कैन नॉट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये सारी जो ब्लेम्स है आधार के ऊपर लगाई गई थी कि आधार में हमें इस सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, बट सेंटर ने इन सारी जो ब्लेम्स है इसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अब तक हमारे पास कोई भी डाटाबेस का ब्रिच देखने को नहीं मिला है और बहुत ज्यादा अमाउंट में इंडियंस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंडियन ट्रस्ट ऑन आधार, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें स्टेटमेंट हमें देखने को मिली है किससे, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री से ऑन द मंडे, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द न्यूज सेक्शन। न्यूज सेक्शन में आई थिंक देयर इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट 12th पेज पे यहाँ पर 8 इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर रीजन दिया है फॉर द जोशीमठ सिंकिंग का, ठीक है। तो जोशीमठ सिंकिंग जो हुआ, जोशीमठ में जो ये एक्चुअली अगर आप देखें तो लैंड सब्सिडेंस देखने को मिले, उसके जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो 8 इंस्टीट्यूट ने हमें दिए हैं, ठीक है। वो क्या क्या रीजन है, सेस्मिक एक्टिविटीज हो गया, कंस्ट्रक्शन लूपहोल्स हो गया, पॉपुलेशन प्रेशर हो गया, पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स, दीज आर अमंग द फैक्टर साइटेड फॉर द लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ टाउन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सारे रीजंस है इनके द्वारा दिए गए हैं कि ये सारे फैक्टर की वजह से जो जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। और वो कौन से 8 इंस्टीट्यूट थे उनका नाम यहां पर आप लोग देख सकते हैं, द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, द नेशनल जियोग्राफी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, द जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वर गिवन द मैंडेट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लैंड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द रिपोर्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वर सबमिटेड अर्लियर दिस ईयर, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इन इंस्टीट्यूशन का वो इस साल के अर्लियर में सबमिट हुआ, बट दे वर मेड पब्लिक आफ्टर द उत्तराखंड हाईकोर्ट क्वेश्चंस द स्टेट ऑफ हाइडिंग फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है उन्होंने कहा कि आप इस रिपोर्ट को क्यों हाइड कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं तभी जाकर पब्लिक में हुई, ठीक है ना। तो ये पहले पब्लिक में नहीं थी, मतलब कि ये जो 8वां इंस्टीट्यूट है इन्होंने अपने जो रिकमेंडेशंस दिए थे कि ये जो चीजें हैं इसकी वजह से हमें जो लैंड सब्सिडेंस है वो देखने को मिल रहे हैं, इस रिपोर्ट को यहाँ पर जो उत्तराखंड की सरकार है ये यहाँ पर छुपा रही थी, और ये जो छुपाने का रीजन था वो यही था, ठीक है। तो ये छुपाने का रीजन यहाँ पर बताया नहीं गया है, ठीक है, छुपाने का रीजन यहाँ पर बताया नहीं गया है। हालांकि जब उत्तराखंड की हाईकोर्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों छुपा रहे, तब जाकर इसको क्या किया गया, पब्लिक किया गया। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में फिलीपींस रिमूव चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड सॉवल, ठीक है। तो यहाँ पर फिलीपींस जो है, फिलीपींस ऑफिशियल ने यहाँ पर रिमूव कर दिया है 300 मीटर की लॉन्ग बैरियर, ठीक है। और ये जो है इनकी वजह से यहाँ पर एक थोड़ा डिस्प्यूट हमें देखने को मिला है, चाइनीज कोस्ट गार्ड जो कोस्ट गार्ड वेसल्स हैं ये जो रोप है और नेट बैरियर्स है इन्होंने इसको क्या कर दिया है, पुट आउट कर दिया, पुट अप कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स के द्वारा ये किया गया, ठीक है। सो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऑफकोर्स चाइना का एक्शन इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। ओके, फॉलोइंग इंडिया यूएस रेज कंसर्न ओवर चाइनीज वेसल विजिट विद श्रीलंका गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए अक्टूबर में एक चाइनीज वेसल की विजिट है श्रीलंका में, और इस चीज़ को इंडिया ने क्या किया है, इस चीज़ को इंडिया ने रेज किया, ठीक है। ये जो कंसर्न है इसके इंडिया ने रेज किया, इससे पहले भी देखिए श्रीलंका मानता ही नहीं है, जैसे कि युवांग 5 जब आया था हंबनटोटा पोस्ट पे, ठीक है, हंबनटोटा पोर्ट पे जब आया था तो उस टाइम भी इंडिया ने ऑफकोर्स कंसर्न जताया था, बट उस टाइम भी यहाँ पर क्या कर दिया था, श्रीलंका ने जस्ट इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो इस टाइम भी मेरे ख्याल से वो इग्नोर ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हमने इनको जो हेल्प किया वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये मे भी शायद क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ओके, बैंक टू अट्रैक्ट मोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से S&P इज ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है हमारे रेडी है फॉर द अट्रैक्टिंग मोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो दैट सेट, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।